वेलकम टू माय चैनल इनकी नम्बर चेनल बारबिक्यू चिकन एप्ली पापम रेस्टोरेंट स्टाइल मारे नल्ला नाम नम्बर वीटल गैस स्टवे एप्ली पापम फर्स्ट माइनस इंजिकला हाफ लेमन मूणु पल्लु पूंडु वन एग्गु तेवैन अलवु साल्टु ओरु कप आयिल हाफ लेमन पाधी दा नम्म पिरिंजिक्कणुम फुल्ला पिळियकूडादु वांगा फर्स्ट माइनस इंजिकला जार एडुत्तुक्कंगा फर्स्ट मुट्टैय उडैच्चि सेर्त्तुक्कलाम पूंडु सेर्त्तुक्कलाम लेमन पिळिंजिक्कलाम साल्ट ऐड पन्निक्केंगे आयिल वंदु नम्म मूणु तडविया ऐड पन्नु फर्स्ट ना कोंज ऐड पन्निक्किरें इप्पो नल्ला ग्रैंड पन्निक्कलाम ग्रैंड पन्निट्टु तिरुम्बवुम रेंडु तडवै आयिल सेर्त्तु नल्ला ग्रैंड पन्नि एडुत्तुक्कलाम इप्पो माइनस नल्ला सूपरा क्रीमिया रेडी आयिडुच्चु ना वंदु नाट्टुकोळि एग् दाय ऐड पन्ने नींगा साधारण एग् कूड सेर्त्तु माइनस सेंजिक्कलाम अदनाल दान वंदु नाट्टुकोळि एग् ऐड पन्नदाल मंजला इरुक्कु इप्पो ना 1 केजी अलवुक्कु चिकन एडुत्तिरुक्केन चिन्ना चिन्ना पीसियुम सेर्त्तु नल्ला मैग्नेट पण्णि वच्चिक्कलाम பெரிய லெக் பீஸ் எடுத்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வெச்சிடுங்க அப்பதான் மசாலாலாம் ஏறி டேஸ்டா இருக்கும் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கங்க காஷ்மீரி chili powder 1 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கங்க அப்பதான் சிக்கன்ல நல்ல கலர் கொடுக்கும் barbecue chicken மசாலா 1/2 ஸ்பூன் कोर कोर नरच मुलु कोत्तमल्लि अरै स्पून चिल्ली फ्लेक्स मुक्का स्पून वरमिलगावे कोर कोर नरचदु हाफ लेमन पिळिंजिक्कंग इप्पो रेंडु स्पून तैर ऐड पन्निक्कलाम इप्पो तेवैन अलवु साल्ट ऐड पन्निक्किरें जीरगत्तूल अरै स्पून अलवुक्कु सेर्त्तुक्कंग இப்போ நம்ம நல்லா பரட்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ சிக்கனை நல்லா மேக்னேட் பண்ணியாச்சு 1/2 hour அளவுக்கு நல்லா சிக்கன் ஊறணும் அடுப்புல ஃப்ரை pan வச்சி oil சேர்த்துக்கங்க சிக்கனை 1/4 பதம் அளவுக்கு வேக வச்சுக்கலாம் तिरपी विट्टे नल्ला फ्राई पन्निक्केंगे इप्पो प्लेट ले एड़त्तुक्कलाम इप्पो गैस स्टवल इन्द मारी रेंडु स्टैंड अलवुक्कु वैरमा कोंजम वच्चिक्कंगे ना चपाती सूर कंबी एड़त्तु अदु मेले वच्चिक्किरेन इन्द मारी एंद कंबी इरुंदालुम नींगे यूस पन्निक्केंगे गैस ऑन पन्नीटे
सिम फ्लेम वचिकेंगे इप्पो नम्मे चिकने सुट्टुकला मुक्का अलवु को वेंदे चिकने एड़ते इंद मारी नला सुट्टु एड़तेकला तिरुपी तिरुपी उट्टु नला वंदे नला सुट्टुकंगे अवलोदा चिकन रेडी आयिडुच्चु அதே மாதிரி மீதம் இருந்த சின்ன சின்ன சிக்கன் பீஸை எடுத்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி கம்பி மேல வச்சி நல்லா சுட்டுக்கலாம் டெலிஷியஸான எம்மியான பார்பிக்யூ சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் வீட்ல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இருந்தா என்னோட சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க லைக் பண்ணிட்டு மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள்